हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। एमसीआई ने इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर दिया है। पहले ये ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में हुआ करता था, यानी अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो ये सर्टिफिकेट एमसीआई से लेने के लिए स्टूडेंट को एमसीआई के चक्कर लगाने पड़ते थे। अभी इन सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और एमसीआई द्वारा आपको मेल पर भेज दिया जाएगा। इसके प्रोसेस को आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग स्टेज जैसे LDC 1, LDC 2, LDC 3, LDC 4, तो कौन सी स्टेज से अप्रूव हो गया है और कौन सी स्टेज पर अभी पेंडिंग है, आप ऑनलाइन ही स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो MCI ने अपने वेबसाइट पर नोटिस डाला है उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या है और इनकी कौन कौन से स्टूडेंट को आवश्यकता होती है और इसको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को पूरा देखिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। अभी हम सबसे पहले mciindia.org की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो लेटेस्ट न्यूज में लिखा है, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। जैसे ही इसको डाउनलोड करते हैं तो पब्लिक नोटिस डाउनलोड हो जाता है। इसमें लिखा है कि यह सूचित किया जाता है कि MCI ने एडिशनल क्वालिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑनलाइन पोर्टल डेवलप कर रखा है। अभी तक एडिशनल क्वालिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन देते थे वो ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल थी। अभी ये निर्णय लिया गया है कि 18 नवंबर 2019 से इनके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पर ही ये एप्लीकेशन स्वीकार होंगी। इसमें आगे लिखा है कि सभी संबंधित व्यक्तियों से रिक्वेस्ट है कि इन सर्टिफिकेट के लिए 18 नवंबर 2019 से ऑनलाइन मोड पर ही अप्लाई करें। 18 नवंबर 2019 से ऑफलाइन मोड पर एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होंगी। अगर आपको इसमें एप्लीकेशन सबमिशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट कर सकता है हेल्प डेस्क के टोल फ्री नंबर 1800111154 और इसके एक्सटेंशन नंबर है 201 एंड 235 और इसके मेल पर भी आप मेल भेज सकते हैं, support.helpdesk@mciindia.org पर आप मेल भी भेज सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कौन कौन से स्टूडेंट को एमसीआई से लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, एमसीआई द्वारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट के लिए जारी किया जाता है जो इंडिया के बाहर के मेडिकल कॉलेज से स्टडी करना चाहते हैं, यानी जो एब्रोड से MBBS करना चाहते हैं उनको विदेश जाने से पहले एमसीआई से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है। इसमें एमसीआई स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और उसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसके बाद स्टूडेंट एब्रोड के किसी भी मेडिकल कॉलेज जो एमसीआई की वेबसाइट पर अप्रूव्ड है MBBS कर सकता है। जो इंडिया से MBBS कर रहे हैं स्टूडेंट उनको MCI से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम बात करें एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो दोस्तों, यह सर्टिफिकेट डॉक्टर्स के लिए होता है। इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन यानी PG पोस्ट ग्रेजुएट और कोई भी स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, उसके बाद उनको एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इश्यू होता है। अब मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको mci.org की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही हम mciindia.org की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो इस प्रकार से होम पेज हमें अपीयर होता है। इस होम पेज पर एक तरफ में स्टूडेंट लॉगिन लिखा है, तो इस स्टूडेंट लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देता है।
इसके बाद में जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आगे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर यूजर आईडी एंड पासवर्ड का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम उसमें कुछ डिटेल डालेंगे, जो डिटेल इसमें पूछ रहा है वो डिटेल डालने के बाद में रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे। ये डिटेल डालने के बाद जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, एक ऑटो जनरेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके मेल पर भेजा जाएगा और इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगा आपको। तो आपने मेल चेक करना है उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम मेल चेक करते हैं, उसमें मेल आया होगा MCI की तरफ से जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड आया होगा। ये पासवर्ड मिलने के बाद में आपने पासवर्ड को रीसेट करना है, रीसेट करने के लिए ओल्ड पासवर्ड डालना है, उसके बाद दो बार न्यू पासवर्ड डालने के बाद में पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, ये आपने एक बार चेंज करना है। इसके बाद में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी के लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मेल आईडी इंटर करना है और उसके बाद रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, वैसे ही न्यू पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर चला जाएगा। वहाँ से आप पासवर्ड रिकवर करके इसमें आप फिर से चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको करंट पासवर्ड डालना है, उसके बाद न्यू पासवर्ड दो बार इंटर करके सबमिट करना है, तो पासवर्ड चेंज हो जाता है। ये सारी कार्रवाई करने के बाद में आपने अप्लाई फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाता है, तो इसमें रेज ए रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही रेज ए रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको सभी डिटेल फिल करनी है जो मैंडेटरी है। मैंडेटरी डिटेल है उसमें रेड से स्टार का बटन लगा हुआ है, वो आपको भरना जरूरी है। इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी लंबा है, तो इसको बाद बीच बीच में आप इसको सेव करते रहें। इसके बाद इसमें आपने सर्टिफिकेट भी स्कैन करके अटैच करने हैं, और अटैच करने के बाद में केयरफुली इस फॉर्म को आपने फिल करना है। फिल करने के बाद में इसका आपने पेमेंट करना है, तो पेमेंट मोड पर आपने क्लिक करना है। पेमेंट मोड इसमें अभी ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन आपने पेमेंट करना है इसका, और पेमेंट करने के बाद में इसको सबमिट कर देना है। तो एक बार जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद में ये एप्लीकेशन प्रोसेस में आ जाएगी और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं MCI को। ये आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं, या ऑथराइज पर्सन के साथ भी भेज सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन सबमिट करने के एक महीने के अंदर अंदर आपको ये MCI को ओरिजिनल सर्टिफिकेट भेजने हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये एप्लीकेशन की प्रोसेस होगी, सबमिट होने के बाद में एक ऑटोमेटिक मेल आपके मेल आईडी पर आता रहेगा कि ये एप्लीकेशन कौन से स्टेज पर है, अभी MCI में LDC के कौन से स्टेज पर है, या फिर आप एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये इसकी जो प्रोसेस है वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड लगा के, कि अभी पेंडिंग LDC 1, 2, 3, 4 के पास में है, या एलिजिबिलिटी सेक्शन MCI के कौन से LDC के पास है, तो आप ये इसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए भी सेम प्रोसेस ही है, इसमें थोड़ा बहुत सा चेंजिंग है। इसके लिए भी आपको MCIIndia.org पर जाना है और लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, बेसिक डिटेल प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल आईडी पर आ जाएगा, ये टेम्परेरी पासवर्ड होगा, उसके बाद में आप पासवर्ड चेंज कर लें। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी कर लें पासवर्ड का, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके, और रिकवरी करके आपके मेल पर जो पासवर्ड आता है उसको चेंज कर लें। जैसे ही आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे, उसके बाद में अप्लाई करें इसके सर्टिफिकेट के लिए। अप्लाई के लिए आपको डैशबोर्ड में रेज ए रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद में सर्टिफिकेट्स वगैरह जो इसमें डिमांड है वो आपने स्कैन करके डालने होंगे, और जैसे ही आप स्कैन करके डालेंगे, सबमिट करके पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
और पेमेंट करने के बाद में इसको सबमिट कर देंगे। सेम वही प्रोसेस है जो इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का प्रोसेस है। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि किस प्रकार से आपने इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और एडिशनल सर्टिफिकेट एमसीआई की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।